नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर जूनियर ड्राफ्ट मैन का। ये पेपर हुआ है 16 दिसंबर 2020 को। हम इसका जीके पोर्शन डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर है 130। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है आयतन के अनुसार पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस जिले में औसती जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है ऊना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देव टिब्बा पर्वत चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सांगला घाटी अवस्थित है? तो सांगला घाटी अवस्थित है किन्नौर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिरमौर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला नगर के संस्थापक थे? तो शिमला नगर के संस्थापक थे मेजर केनेडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस शासक ने मंडी में शिवरात्रि मेले का प्रारंभ करवाया था? तो इसका राइट आंसर है अजमेर सेन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय गजनवी राज्य जिसने स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था? तो ये था बुशहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खावली जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? तो खावली विद्युत जल विद्युत परियोजना है ब्यास नदी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में नीरथ जो एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती अभिनय कला संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है मैक्लोडगंज में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामागन एक लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये लोक नृत्य किया जाता है किन्नौर जिले के लोगों के द्वारा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मेला मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिलासपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट के हैं, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर हाल ही में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रजिस्टर जनरल ने अपनी बुलेटिन SRS में हाल ही में प्रकाशित किए आंकड़े अनुसार देश में किस राज्य में नवजात मृत्यु दर की स्थिति सबसे खराब है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया HR 6819 है? तो ये है ब्लैक होल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे वैज्ञानिकी व्यवसाय से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई एवं पुनर्स्थापना ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, नई एवं पुनर्स्थापन ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही वर्ण है जितने की वर्णमाला में उनके मध्य है? तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है, कौन सा अन्यों से भिन्न है, तो इनमें से अन्यों से कौन सा भिन्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट में पुल टर्न ऑप मतलब फ्रूट्स इज गुड, नॉप टू टीर मतलब ट्री इज लॉन्ग, तथा पुल हो सॉप मतलब ईट गुड फूड, तो निम्न में से क्या फ्रूट के लिए उपयुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डाटा अपर्याप्त, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक स्त्री से कहा, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी माता है, उस स्त्री का उस पुरुष की नानी के साथ क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुत्री, इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नार्थ चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो श्रृंखला ये है, प्रश्नार्थ के स्थान पे आएगा ऑप्शन बी G65E, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो नहीं है पूरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश से था, अशोक था मौर्य वंश से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शबंदी सूफी संघ का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ख्वाजा परी मुहम्मद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1885 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह 1928 की अगुवाई की थी, तो इसकी अगुवाई की थी सरदार पटेल ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपनी सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है शनि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस है यह सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर है हिंडेनबर्ग रेखा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है गोदावरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धान्य फसल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मक्का, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1953 को। नेक्स्ट है, भारत चुनाव आयोग है एक, तो ये है एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRIFIL है एक, तो ये है एक साख निर्धारण एजेंसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पश दृश्य दर्पण है, तो ये है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्पादक गैस बनी होती है, तो ये बनी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजहर इसके द्वारा होता है, तो काला अजहर होता है प्रजीव के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज, तो इसका राइट आंसर है पर्डॉन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आई टेक इंटरेस्ट ब्लैंक फिल्म मेकिंग, तो इसका राइट आंसर है इन, आई टेक
इंटरेस्ट इन फिल्म मेकिंग. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द idiom टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट इज, तो इसका राइट आंसर है टू लिव इन क्वाइट एंड कम्फर्ट. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, तो इसका राइट आंसर है कॉन्फिडेंटली, CONFIDENTLY. ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, तरुण का विलोम शब्द है, तो तरुण का विलोम शब्द है वृद्ध. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, प्रसिद्ध में उपसर्ग है, प्रसिद्ध में उपसर्ग है प्र. ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण है दैनिक. ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, रात दिन में समास है, रात दिन में समास है द्वंद्व समास. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. थैंक यू सो मच.